आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज ये देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक में बात कर रहा हूँ। और इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, मैं इस चैनल पर नया हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलो चलिए, हम अब शुरू करते हैं कि आजकल काफ़ी लोग कहते हैं कि यार, हमें फ्रेंड्स या दोस्त कोई भी मैसेज करता है तो वो 15 मिनट में डिलीट कर सकता है, तो वो डिलीट कर देता है, तो वो दोबारा आप कैसे देखें? तो आपको मैं अब बिल्कुल और आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप अपने मैसेंजर और व्हाट्सएप के मैसेज देख सकें। तो चलिए हम शुरू करें। सबसे पहले हमने प्ले स्टोर में जाना है। नोटिस सेव सर्च करना है। तो ये देखें, सबसे पहले आ गया नोटिस। हालांकि मेरे पास तो इंस्टॉल है, मतलब कि ये मुझे कह रहा है कि अपडेट करो। तो आप देखें, मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ, मेरा पड़ा हुआ है। अब जैसे कि आप मेरा व्हाट्सएप देख सकते हैं, ये देखें, ये मेरा व्हाट्सएप है, ये देखें। तो ये हमने ऐप ओपन की, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पे मेरे जितने भी मैसेज आपने देखे थे वो सब ये आए हैं, ये देखने आप। आप देख सकते हैं मेरे सारे मैसेज यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे आप, आपके पास जो भी ऐप्स पड़ा हुआ है ना, आप उसके सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैसेज हो, फेसबुक हो, ईमेल्स हो, मेल्स हो, कुछ भी हो, यूट्यूब के बारे में जो नोटिफिकेशन आते हैं वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि जो डिलीट भी हो जाएं वो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, ये देखें, मैं आपको एक बार फिर टिक करके बता देता हूँ, ये देखें, नोटिस सेव ये सर्च करें, ये आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा प्ले स्टोर से। जिसका आपने मैंने दिखाया, ये देखें, प्ले स्टोर में जाके फर्स्ट पे आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड करें और यूज़ करें। ये देखें, 1 मिलियन व्यूज आ सकते हैं इसमें, हालांकि 5144 लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।